निजी स्कूलों की हड़ताल की घोषणा के बाद अब अभिभावकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच ने भेजा नोटिस, तो भोपाल के पेरेंट्स सरकार के साथ खड़े हैं। जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो फीस किस बात की चुकाएं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग का हितैषी होने का वे नाटक कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार के दौरान ही कोर्ट ने स्टे दिया था। राज्यपाल मंगूबाई छगन भाई पटेल ने आज सुबह 11 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं विवेक जोशी भी मौजूद रहे। आज नेमावर में पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँचे कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल। उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बताया और दुख प्रकट किया, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को जल्द ही सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में दतिया के जिला अस्पताल में नवीन भवन में बच्चों के लिए 20 बेड के स्पेशल वार्ड का शुभारंभ गृह मंत्री के हाथों हुआ। जिले में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। सभी प्रकार के राजीनामा योग, आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण पोषण, चेक बाउंस, श्रम राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले, न्यायालय के प्रकरणों के साथ साथ भू अर्जन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई जिला कार्य समिति की प्रथम बैठक। संगठन की जिला प्रभारी मनीषा सिंह रहे मौजूद। अलग अलग सत्रों में पारित किए गए विभिन्न प्रस्ताव। खतरनाक जगहों पर न जाने की कलेक्टर ने की अपील। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि बारिश के मौसम में तालाब, बांध या अन्य जल स्रोतों के पास न जाएं। बारिश में ऐसे स्थान खतरनाक साबित हो सकते हैं। व्यवहार न्यायालय निवास में अध्यक्ष सीताराम दास तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण निवास की अध्यक्षता में श्रीमती अंजलि सिंह की खंडपीठ के साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायालय के लंबित प्रकरणों में से 32 प्रकरण निराकृत किए गए। ओबीसी वर्ग से 27 सांसदों को मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया गया आभार। जिला कार्यालय में राजेश पटेल की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे।